सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों कल था शाओमी का इवेंट, तो दोस्तों कल शाओमी ने तो आग ही लगा दिया कतई। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रेडमी के 30 अल्ट्रा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये तो एक तो बात तो ये अमेजिंग स्पेक्स के साथ आता है, दूसरी बात इसका जो दोस्तों प्राइस है ना गजब है। इसका प्राइसिंग आप सुनेंगे तो एकदम दोस्तों हैरान रह जाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं MI 10 अल्ट्रा उसके ऊपर दोस्तों मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, जाके आई बटन पे देखो। और दोस्तों एक और बढ़िया चीज लॉन्च हुई है, जितना भी दोस्तों जो भी चीजें लॉन्च हुई है मैं टेक न्यूज में दोस्तों आपको कवर कर लूंगा, लेकिन हम लोग दोस्तों स्पेशली दोस्तों रेडमी के 30 अल्ट्रा के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से आपको स्पेक्स बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगा, HDR 10 प्लस के साथ आएगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा गाइस। और यहाँ पर दोस्तों आपको 395 का दोस्तों PPI देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों कंपनी कह रही है कि यहाँ पर दोस्तों 800 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो दोस्तों बहुत बड़ी बात हो जाती है। और 20:9 पे दोस्तों बेस्ड होगा, काफी अच्छा होता है। ये एस्पेक्ट के फोन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आजकल ये बहुत कम निकलते हैं और देखने में दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं। अगर दोस्तों बात कर ले हम लोग कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और दोस्तों यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका बात कर ले सेल्फी कैमरा के बारे में, 20 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल कैमरा मिलेगा जो पॉपअप कैमरा के साथ आएगा। यही चीज दोस्तों सबसे अलग इसको बना देती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा, यानी कि आप अगर फोन को अगर इन हैंड फील करेंगे तो आप देखेंगे कि यार बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने को मिल रहा है। देखने में फोन काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। हम नीचे के जो चिन्ह है वो भी दोस्तों बहुत एवरेज है, पता नहीं चलेगा बाकी स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। और दोस्तों ऑल दो मोबाइल देखने में काफी दोस्तों देखने में बहुत अमेजिंग लगता है। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको बताता हूँ SoC के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों Dimensity 1000 प्लस देखने को मिलेगा MediaTek के तरफ से। तो दोस्तों ये काफी अमेजिंग प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, माली G77MC9 आपको GPU देखने को मिलेगा। अगर स्नैपड्रैगन की भाषा में समझाऊं तो ये स्नैपड्रैगन के 855 प्लस और 865 से थोड़ा नीचे है, यानी कि 855 प्लस से थोड़ा सा ऊपर है, 865 से आपको थोड़ा सा नीचे देखने को मिलेगा, तो उसी के आसपास का आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। और दोस्तों ये जो चिपसेट है काफी दोस्तों आपको अच्छी गेमिंग करवा देगा, परफॉर्मेंस आपको डे टू डे लाइफ में एकदम अच्छी वाली देगा, हाई सेटिंग्स पे आप PUBG खेल पाएंगे, कोई भी लैग कोई भी आपको शटर देखने को नहीं मिलेगा, एकदम दोस्तों मक्खन की तरह आपका मोबाइल चलेगा एकदम, तो एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में आए तो पहले, तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर आपको 6+128GB वाला जो वेरियंट रहेगा आपको दोस्तों 21,500 का मिलेगा। जी हाँ दोस्तों 21,500, यही बात दोस्तों मेरे को सबसे अच्छी लगी कि यार ये 21,500 से स्टार्ट होता है और इतने अमेजिंग स्पेक्स हमको प्रोवाइड कर देता है। और दोस्तों इस बात याद रखिएगा कि 5G प्रोसेसर है और दोस्तों ये 5G स्मार्टफोन है। और यहाँ पर 8+128GB आपको 23,600 का देखने को मिलेगा, 8+256 26,800 और 8+512GB वाला वेरियंट जो सबसे हाई रहेगा 29,000 रुपये का देखने को मिलेगा। 16 अगस्त से ये चाइना में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों सब ट्विटर पे मनु कुमार जैन को सब रिट्वीट कर रहे हैं, हैशटैग भी चला रहे हैं कि Redmi K30 Ultra को इंडिया में लॉन्च करो, लेकिन दोस्तों ये शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोस्तों K30 Pro ही लोग लॉन्च नहीं किए तो K30 Ultra को काहे को लॉन्च करेंगे। पोको F2 Pro को भी दोस्तों लोग लॉन्च नहीं कर रहे हैं, वो भी K30 Pro का रीब्रांडेड वर्जन है, वो भी लॉन्च नहीं हो रहा दोस्तों, तो शायद दोस्तों K30 Ultra लॉन्च नहीं हो पाएगा। अगर दोस्तों 10,000 एक्स्ट्रा लेके 32,000 में भी लॉन्च करेंगे ना तो भी दोस्तों सब लोग परचेस कर सकेंगे इसको, ये भी चलेगा, लेकिन लॉन्च तो करो, इन लोग लॉन्च करते ही नहीं है। K30 अल्ट्रा में दोस्तों यानी कि K30 सीरीज में बस दोस्तों K30 को ही रीब्रांड पोको X2 के नाम से कर दिए, उसके बाद से दोस्तों तो कोई स्मार्टफोन वेरिएंट इन लोगों का लॉन्च नहीं करते हैं। K30 Pro पोको F2 Pro बना है वो भी नहीं आ रहा है, K30 अल्ट्रा ये भी नहीं आएगा, तो यार फायदा क्या है यार, बस एक ही बार एक ही स्मार्टफोन को यहाँ इंडियन मार्केट में बस उतारते हैं, उसके बाद बाकी सब तो गया, जाने दो यार। तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको Redmi K30 Ultra कैसा लगा, आपको उसकी प्राइसिंग कैसी लगी, ये भी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो उसको लाइक जरूर करना यार, और अगर चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो।
और दोस्तों मैं शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूँ, तो उसमें सारे इवेंट के जितने भी चीजें हैं, क्योंकि और भी सारे चीजें लॉन्च हुए हैं अमेजिंग अमेजिंग, उसको भी दोस्तों मैं कवर कर लूंगा। तो दोस्तों टेक न्यूज मेरा जरूर से देखा करो। और दोस्तों मैं MI 10 Ultra के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, तो आई बटन पे जरूर जाके चेकआउट करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर करना, उनको भी पता चलना चाहिए कि रेडमी K30 Ultra भी है एक स्मार्टफोन जो 21,500 में इतने अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर दे रहा है, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। और दोस्तों मेरे को ऐसी सपोर्ट करते रहना, हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चलिए बाय। जस्ट डू इट। If you're tired of starting over, stop giving up.